5 है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू, जिसके चार एलिमेंट्स गिवन है ए बी सी डी, फाइंड प्रॉपर सबसेट। इसी क्वेश्चन का पार्ट ए है हमारे, इसके प्रॉपर सबसेट्स ढूंढे। प्रॉपर सबसेट से रिलेटेड आपको दो चीजें ध्यान में रखनी होगी, कौन सी, के ए सबसेट होना चाहिए पी का, दूसरी सेट कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए बी के, तभी हम कहेंगे कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है किसी सेट बी का। यहाँ पे हम नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स के लिए हमने फार्मूला डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, अगेन आई एम राइटिंग द फार्मूला। वो फार्मूला था हमारा 2n-1, जहां पे n जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, और -1, ये इस -1 को आप हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आपको प्रॉपर सबसेट्स निकाल रहे हैं तो वो जो एक्चुअल सेट गिवन है वो आपको माइनस करना है। प्रॉपर सबसेट के फार्मूले में जो -1 गिवन है, इस -1 का मतलब है जो एक्चुअल सेट दिया गया है प्रॉपर सबसेट फाइंड करने के लिए वो आपको माइनस करना है। कीप दिस थिंग इन माइंड व्हेन यू आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। तो हमें यहाँ पे चार एलिमेंट्स गिवन है सेट ए में, तो इसके हम प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करेंगे। कैसे, n ऑफ ए इज इक्वल टू, पहला हमारा जो सबसेट होगा वो होगा नल सेट, क्योंकि नल सेट हमारा हमेशा सबसेट होता है किसी भी सेट का, तो प्रॉपर सबसेट्स निकालने वक्त ए हमारा प्रॉपर सबसेट होगा पहला। दूसरा है हमारे पास ए, तीसरा है हमारे पास बी, देन सी, देन वी हैव डी। अब हम एलिमेंट्स को पेयर करके एक साथ उठाएंगे, क्योंकि एक एक करके एलिमेंट्स हम सब उठा चुके हैं। ए कामा बी, ए के साथ बी उठा चुके, अब सी और डी उठाएंगे। ए कामा सी, देन ए कामा डी, उसके बाद बी के साथ एक एक करके एलिमेंट उठाएंगे, बी कामा सी, देन बी कामा डी, देन सी के साथ एक एलिमेंट करके उठाएंगे, सी कामा डी। हम सी के साथ सिर्फ डी उठा सकते हैं, हम पीछे नहीं जाएंगे, सी ए नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने ए सी ऑलरेडी लिया है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि सेट में एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। दूसरी चीज के सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, अगर मैं ए सी लिखूं या सी ए लिखूं, इट हैज सेम मीनिंग। इसलिए हम सी के साथ पीछे नहीं चलेंगे, आगे चलेंगे, सी के साथ डी लेंगे। ओके, देन हम पेयर वाइज जो है वो एलिमेंट्स को उठा चुके, अब हमें तीन एलिमेंट्स एक साथ उठाएंगे, तो आगे हमारे प्रॉपर सबसेट्स कौन से बनेंगे, ए बी सी, तीन एलिमेंट्स उठाए हमने, देन ए बी डी, ए बी देन ए बी डी उठाया, ए बी सी, देन ए डी डी, उसके बाद ए सी डी, ए सी डी, और लास्ट जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है बी सी डी। आप चेक कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से कि जो मैंने प्रॉपर सबसेट्स निकाले हैं क्या वो सही है या नहीं। 2n-1, n क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी सेट का, तो हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 power 4 minus 1, 2 power 4 का मतलब है कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन में ऑप्शन करें। कैसे, इस तरह 2 को 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन में ऑप्शन करें और माइनस 1 करें, जिसका मतलब है इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा 16-1, तो हमारे पास 15 प्रॉपर सबसेट्स होने चाहिए। लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सो हमने जो प्रॉपर सबसेट्स निकाले हैं गिवन सेट के वो 15 बन रहे हैं। दिस इज द फार्मूला टू चेक हाउ मच द प्रॉपर सबसेट्स कैन बी मेड, एंड This is the way to
फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट। इसी से रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, एन इम्प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी है हमारे पास, एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। हमें जो गिवन सेट ए है इसका इम्प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। इम्प्रॉपर सबसेट सो सिंपल, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो सेट गिवन है ए एंड बी, अगर इन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम कहेंगे ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन इम्प्रॉपर सबसेट, व्हेन द टू सेट्स आर गिवन एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम और द टू सेट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, देन वी से दे आर द गिवन सेट्स आर इम्प्रॉपर सबसेट्स। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ पे हमें जस्ट वन सेट ए दिया गया है जिसके चार एलिमेंट्स हैं। जैसे कि हमने प्रॉपर सबसेट के लिए दो कंडीशंस सीखी थी कि ए सबसेट होना चाहिए बी का और ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट है किसी सेट बी का। इम्प्रॉपर के लिए भी हमें ऐसी कंडीशंस है, कौन सी है वो? कि ए सबसेट होना चाहिए किसी सेट बी का, दूसरी ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ए अगर सबसेट है बी का और ए इक्वल टू बी है तो हम कहेंगे ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। दिस इज द सिंबल ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। अब यहां पे हमें ए सेट गिवन है जिसके पास फोर एलिमेंट्स हैं। अब हम इसके इम्प्रॉपर सबसेट्स कैसे फाइंड करें? तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, जो गिवन एलिमेंट्स है हमारे पास वही हमने लिखे। हमें पता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हमने ये चीज डिस्कस की थी सबसेट वाले क्वेश्चंस पे। तो यहां पे जो गिवन सेट है ये खुद का सबसेट है, तो इसके इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से होंगे? ये इम्प्रॉपर सबसेट खुद का ही हो सकता है क्योंकि इसके पास दूसरा सेट गिवन नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन में हमें लिखा a इज इक्वल टू a कॉमा b कॉमा c कॉमा d। हमने सबसेट में ये डिस्कस किया था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहां पे भी हम ये जहन में रखे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा सबसेट है खुद का, हमें दूसरा कोई सेट नहीं दिया गया है। एवरी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी, टू सेट्स बी एंड सी दैट आर सबसेट ऑफ ए such that B is proper subset of C। ये दोनों सेट B और C सबसेट हैं A के, और इस तरह सबसेट हैं कि B प्रॉपर सबसेट है C का। तो हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, सपोज लेट करेंगे इसके लिए B के एलिमेंट्स, हम B के ऐसे एलिमेंट्स उठाएंगे जो A का सबसेट बने। तो B हमने लिया A कामा B और C के हमने एलिमेंट्स लिए A B C। अब हमें यह बताना है कि B प्रॉपर सबसेट है C का। प्रॉपर सबसेट के लिए दो चीज़ें देखनी होती हैं हमें, कौन सी? A सबसेट होना चाहिए, A सबसेट होना चाहिए सेट B का, A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि A प्रॉपर सबसेट है B का। अगर यहाँ पे देखें B सबसेट है C का क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स C में आ रहे हैं, B इज सबसेट ऑफ C। दूसरी चीज़, B इज नॉट इक्वल टू C, दोनों कंडीशन प्रॉपर सबसेट वाली फुलफिल हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C। देन वी हैव टू सेट्स बी एंड सी दैट आर सबसेट ऑफ ए, ए के सबसेट है, सच दैट बी इज सबसेट ऑफ सी। सॉल्यूशन में लिखेंगे, हम बी और सी के एलिमेंट्स सपोज करेंगे, ऐसे सपोज करेंगे कि वो ए के सबसेट होने चाहिए और बी खुद सबसेट होना चाहिए सी का। तो हमने लिया बी इज इक्वल टू ए कामा बी और C हमने लिया A कामा B कामा C।
Now we can say B is a subset of C. B के सारे एलिमेंट C में आ रहे हैं, तो B is subset of C.